Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. Hello friends and fellow photographers and welcome to another video. और आज ये video एक tripod के review के बारे में है. And if you are wondering कि वो tripod कहाँ पे है, तो that's right inside this bag. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. It's a small tripod जो आपके bag में easily backpack में fit हो जाता है. So here's the tripod. तो इसके साथ आपको एक bag मिलता है and this is by Pullo's brand है. इन्होंने भेजा था. रिव्यू यूनिट ट्राईपॉड ट्राई करने के लिए. तो यहाँ पे आई जस्ट टेक इट आउट एंड शो यू गाइस कि इतना सा ट्राईपॉड है एंड इट इजीली फिट्स इनसाइड योर कैमरा बैग. तो जैसे आप हाइट देख सकते हो, इट्स नॉट दैट बिग, काफ़ी लाइट है एंड इसका जो वेट है इट्स ओनली 700 ग्राम्स के आसपास है. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स हाइट, तो ये अभी जैसे इतना है तो ये 16 inches है एंड जैसे ही इसको हम एक्सटेंड करेंगे एट इट्स फुल हाइट तो वो अराउंड 4-4.5 feet के आसपास आ जाता है. तो दिस इज़ एन आइडियल ट्राईपॉड अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हो एंड आपको कुछ लाइट और इजी टू कैरी ट्राईपॉड चाहिए. तो दिस इज़ अ ट्राईपॉड विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ वीक. तो मैं इसके आपके कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ एंड इसका बिल्ड क्वालिटी सो दैट आपको पता लग जाए कि ये ट्राईपॉड कैसा है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं. तो अभी ये जो इसकी हाइट है दिस इज़ द मिनिमम हाइट दैट यू कैन एडजस्ट अगर आपको बैग में रखना है. उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है यू कैन एक्सटेंड इट टिल इतना. दिस इज़ जो मिलता है अगर आप इसको लेग्स को ओपन करते हो. तो अभी ये जो हाइट है ये इसकी मिनिमम है, सॉरी हाइट के हिसाब से मैक्सिमम है इसमें. देन आप इसको और नीचे पुश करके यू कैन मेक इट इतना जो है ये आपका मिनिमम हाइट रहेगा. अगर आपको और इसको लो करना है सिंपली बाय ओपनिंग दिस आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो लेग्स को. तो अगर मेरे को एकदम फ्लैट ले फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो इसको हेड को मेरे को थोड़ा सा ऊपर करके अगर मैं इस तरह से भी इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप फ्लैट ले फोटोग्राफी अगर आप करते हो चाहे प्रोडक्ट हो या कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हो आप इसका इस हिसाब से हाइट एडजस्ट करके फ्लैट ले में भी इजीली यूज़ कर सकते हो. तो ये एक चीज़ है जो मेरे को पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था. दैट्स द रीज़न कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बना रहा हूँ. उसके बाद अगर मैं इसकी प्लेट की बात करूँ, नॉर्मली अगर आपको जो ट्राईपॉड्स मिलते हैं 1000, 2000, 3000 के रेंज में वो ये एकदम प्लास्टिक मिलता है, बट ये प्लास्टिक नहीं है, इट्स अ गुड मटीरियल. इवन इसका जो हेड है वो भी काफ़ी स्टेबल है, मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया. आपको इसके बाद मैं कुछ फुटेज भी दिखा दूंगा सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया. हेड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉल हेड है तो यू कैन एडजस्ट इट इवन अगर आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा एंड इट्स अप टू यू कैसे आपको यूज़ करना है. देन यहाँ पे कुछ लॉक्स हैं अगर आपको पैन लॉक करना है, टिल्ट लॉक करना है हेड का, उसका यहाँ से हो जाएगा. एंड साइड में यू हैव दिस बबल तो एंगल अगर आपको सेट करना है आप वहाँ से चेक कर सकते हो इजीली. उसके बाद टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम हाइट, आई जस्ट ओपन इट टू इट्स मैक्सिमम हाइट सो दैट यू गेट टू नो कि अगर हम इसको फुली ओपन करते हैं तो आपको कितना हाइट इसके ट्राईपॉड में मिल जाता है. तो अभी ये जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसका जो ये हेड रॉड है ये भी मैंने फुल ओपन किया हुआ है एंड ऑल थ्री लेग्स आर फुली ओपन. तो ये जो अभी आपको हाइट दिख रही है दिस इज़ मैक्सिमम. अभी ये स्टूल पे है तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंस ऑफ 1.5 feet. तो अगर मैं इसको नीचे रख के भी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इतना कुछ हाइट ये आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा. कैमरा लगने के बाद अराउंड यहाँ पे कहीं आ जाएगा. तो आई थिंक दैट्स अ गुड हाइट कंसिडरिंग इसका जो वेट है और 700 ग्राम्स कुछ नहीं है ना, आपके कैमरा में इजीली फिट हो जाता है. उस हिसाब से इफ़ यू आर अ ट्रैवलर, आप पसंद करते हो लाइट ट्रैवल करना, आपके बैग में ही ट्राईपॉड आ जाए साथ में ही कैमरा और लेंसेज भी आ जाएँ तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट एंड दिस ट्राईपॉड अलाउज यू टू डू दैट. तो ये एक चीज़ है. सेकेंड चीज़ इसके बारे में ये है अगर आपकी इसको लेग्स को एकदम स्प्रेड करना है, अगर आप आई जस्ट शो यू व्हाट आई मीन जो मैं बात कर रहा हूँ. लेट्स सपोज इसका एकदम मिनिमम हाइट कर देते हैं. इवन द क्वालिटी ऑफ द क्लिप्स जो ये लॉक्स हैं लेग्स के दोज आर डिसेंट. आई वॉन्ट से कि एकदम ग्रेट है बट ऑब्वियसली इट्स लाइट वेट ट्राईपॉड तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उधर है. लेट्स सपोज मेरे को इतना इसका एडजस्ट करना है तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ उसके बाद आई कैन लॉक द लेग्स ओवर हियर. तो इस तरह से अगर मेरा कैमरा इस तरह से आप लो एंगल पे कैमरा रख के शूट कर सकते हो. इसका बेनिफिट ये है आपका जो कैमरा है वो काफ़ी स्टेबल रहेगा
एंड क्योंकि इसके जो लेग्स हैं वो एकदम वाइड स्प्रेड हैं, तो इससे आपको अगर काफ़ी विंडी सिचुएशन में शूट करना है या लो एंगल शॉट चाहिए तो इसको यूज़ करके यू कैन डू दैट। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे दैट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे को ये अच्छा लगा, आई एम यूजिंग इट सिंस अ वीक और 10 डेज, तो अभी ये मेरे पास ही है बिकॉज द पोलोस ब्रांड दे सेंट मी ओवर, उन्होंने कहा रिव्यू करने के लिए, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने रिव्यू वीडियो बना दिया इस पर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय द ट्राईपॉड। तो यही था इस रिव्यू वीडियो में, इफ़ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।